अब आपके शहर दमोह में मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट गेहूं का उच्चतम तकनीक विधि से निर्मित लाडली चक्की फ्रेश आटा सात्विक और शुद्धता से परिपूर्ण शकुंतला फ्लोर मिल औद्योगिक क्षेत्र मारुताल दमोह है। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं किसी से छुपी नहीं है। आज मानस भवन में जहां मंत्रियों के बीच एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां एक मरीज हाथ में बाटा लेकर पहुंचा और उसने जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं के बारे में मंत्रियों को बताया, जिसके बाद स्वयं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह मरीज को अस्पताल लेकर गए और उसके उचित इलाज की व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व स्वयं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम में डॉक्टरों को चेतावनी भी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने डॉक्टरों को कहा था कि छोटी छोटी बातों पर मरीजों को जल्द पर रेफर यहां से किया जाता है, वह ठीक नहीं है। जिसके बाद आज एक ऐसा मामला सामने आया जहां दमोह के मानस भवन में एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत चाइनीज फसल टमाटर कृषक शिविर स्थानीय मानस भवन अम्बेडकर चौक दमोह में औद्योगिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला दमोह द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन औद्योगिक एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र व्यवहार तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग पहुंचे। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री तरुण राठी, अध्यक्ष बिहार सिंह, लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह, जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक पी एल तंदुआ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मरीज ने पहुँच कर जमकर हंगामा मचाया। वहीं कुछ समय पूर्व मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दमोह में की गई, उसका भूमि पूजन किया गया। अब देखना यह है, जब जिला अस्पताल के हालात यह हैं तो आने वाले समय में जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो उनकी सुविधाएँ मरीजों को किस प्रकार मिलेंगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जिला अस्पताल के हालात के बारे में क्या कहा मंत्रियों ने, क्या कहा मरीज ने, आइए देखते हैं व सुनते हैं। ये सब दलाल जी, सब दलाल है। हट्टी के पैसा चाले, बनुआ पैसा चाले, एना पैसा चाले, डॉक्टर पैसा चाले, एना पैसा चाले, वना पैसा चाले, सबका चाले। ज्यादा रुचि है गाली पकड़ जी, गाड़ वाले गाली पकड़े थे जी, एना पैसा नहीं बजनदार हो चाले। ये हम भर्ती बच्चा जे सब पैसा मंगाते सब उगाड़ वाले का गाली न दे यहाँ पे सर। हमने लगाया नहीं है, मोबाइल ले गया ये जो समस्या लेके आया क्या सर, पूरा मामला जो भी समस्या थी हमारे राहुल भैया उनको लेके गए थे, उनकी समस्या सॉल्व क्या इलाज परेशानी कोई इलाज विलाज में दिक्कत आई हुई सर? मंत्री जी तो मंच छोड़ के जाना पड़ा उसको अस्पताल करने के लिए। देखो यही तो संस्कार है,
मंत्री बाद में सेवक पहले, इसलिए उन्होंने जो अस्पताल पहुंचाने का काम खुद ले जाके किया है, निश्चित रूप से सराहनीय ही होना चाहिए। ये अव्यवस्थाएं लगातार जिला अस्पताल में जा रही है, क्या कार्रवाई होगी इस पर? अव्यवस्था लगातार जा रही है तो देखो, एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो सरकार स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में पूरी तरह गंभीर है, और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई ऐसी कमी है तो हम उसको संज्ञान में लेंगे। मामला कुछ नहीं है, वो उसकी संतुष्टि के हिसाब से उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसको इलाज चाहिए वो यहाँ है तो उसको ले गए, वहाँ पे सभी लोग आ गए थे, उनको दिशा निर्देश दे दिया है, उनका इलाज सही तरीके से हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि सिर दर्द दे रहा है या बीमारी है, सही इलाज नहीं हो रहा, तो डॉक्टर को एक्चुअली पता रहता है कि इसकी दवा क्या चल रही है, तो उनको ड्रिप भी लगी थी और बाकायदा ड्रिप, और वहीं एडमिट करा के आए हैं, और जो भी और आवश्यक कार्रवाई होगी या जो भी और आवश्यक इलाज होगा वो पूरा प्रशासन वहाँ लगा हुआ है और हॉस्पिटल का वो कर रहा है। आप पूर्व से देखते रहे कि जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएँ फैली रही हैं, क्या आगे कार्रवाई? ऐसा नहीं है, सरकार पूरी सजग है और पूरा ध्यान दे रही है, और हम लोग मंत्री बाद में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, तो हम लोगों का कार्य है कि पहले जनता की सेवा, उसके बाद ही कोई मंचीय कार्यक्रम है, कोई ही कार्यक्रम हो सकता है।